आप सबको याद होगा, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, ये देर कर रहे हैं, ISPR भी देर कर रहे हैं, ये इनको इतना बड़ा जुर्म, और उनको क्या ट्रेल ढूंढनी मुश्किल हो रही थी? ये इन्वेस्टिगेशंस को, प्रोसिक्यूटर्स को ये जो तमाशा लगा है, कोर्ट्स के अंदर जाके आप बात कोई करते हैं, नतीजा सियासी निकालते हैं, इससे कभी जुर्म जिसने मेरी फौज की वैलर, डिग्निटी, प्राइड, उनकी शिवलरी, अपने लोगों को इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को मॉब्स में कन्वर्ट करना और करके फिर उसके बाद 29 इंस्टॉलेशंस मिलिट्री पे एक ही दिन हमला करना, ये आप एक बाकायदा जामिया मनसूबाबंदी के बगैर कर सकते हैं? तसव्वुर नहीं कर सकते। और फिर आपको भूल गया जब वो कचहरी चौक में हमायत जुडिशरी रैली के नाम पर इन्हीं रस्तों से गुजर कर जाना, फिर तीन तीन रूट तरतीब देना, फिर कौन से रस्ते कोर कमांडर के घर को जाते हैं, कौन से रेडियो स्टेशन पाकिस्तान को जाते हैं, और फिर एक सोची समझी साजिश के तहत, ये मैं लगी लिपटी बात नहीं करने का, रेडियो पाकिस्तान में और पिशावर में इससे बड़ा नेशनल आर्काइव इंडिपेंडेंस का कहीं और मौजूद नहीं है, सब जला के राख कर, क्या बात कर रहे हैं आप? What are we looking at? स्पीकर साहब ये फरमाइएगा कि देखिए मुझे, मैं वजूहात तलाश करना मेरा काम नहीं है, मैं तो सिर्फ एक ओपोजिशन बता रहा हूँ कि इस मुल्क के साथ एक खौफनाक साजिश, अदालत के खिलाफ साजिश, सियासत के खिलाफ साजिश, इस मुल्क की मईशत के खिलाफ साजिश, और ये ताने बाने 2014 से चलते चलते 2024 तक आ गए हैं, लेकिन आप सच हक बात कहने से आप कभी किसी फंडामेंटल राइट्स के पीछे छुप जाएँ, कभी किसी इंसानी हकूक की तंजीम के बाद के पीछे छुप दें, अ पर्सन हु कमिट्स दीज रॉन्ग्स लूजेस अ सर्टेन राइट्स एज अ फंडामेंटल राइट। स्पीकर साहब ये फरमाइएगा कि पीटीआई वाले मुसलसल इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि ये अगला साल इलेक्शन क्या है, अगला साल इलेक्शन क्या है? देखिए हम तो हमारा वक्त तैयार होते हैं यार, मेरा तो झगड़ा नहीं है, मेरी जहाँ तक मेरी जात की बात आप मुझसे पूछें तो मुझे तो आई एम पब्लिक स्पिरिटेड आदमी हूँ, मैं तो अभी भी 500 बंदा अपने घर से भुगता कर निकल रहा हूँ। झगड़ा किस चीज़ का है? झगड़ा इस बात का है कि जब ये आप बात करते हैं कि इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आए, तो आपको फ़र्क निकालना है कि वो कौन सी फोर्सेस हैं जो इंस्टेबिलिटी के लिए अपनी सारी जान मार रही हैं, और वो कौन लोग हैं जो इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देने के लिए, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज़ अ फार फेस्ट आइडिया, पहले बुनियादी शर्त सियासी इस्तेहकाम है। तो आप क्या नतीजे हासिल करना चाहते हैं मुझे आप बताएं? क्या वो नतीजे जो सिर्फ इमरान और उनकी जमात के लिए उनके फेवरेबल मिले, और वो नतीजे नतीजे हैं और बाकी नतीजे नतीजे नहीं हैं? ये कहानी मैंने आपसे कहा कि ये 2013 के चार हलकों से जब खुली तो क्या सच साबित हुई, किधर गई वो स्टोरीज ऑफ वो 35 पंक्चर, किधर गई वो? अब क्योंकि इतनी ज़्यादा इस पर बात हो गई है, इतना रेटरिक हो गया कि अब खुद बात करते हुए भी अजीब सा लगता है कि हम क्या कह रहे हैं, लेकिन फाइनली मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि अनलेस ये जो जराइम करने वाले लोग हैं और इस जुर्म का हुजम बाकी तमाम जराइम से बड़ा है, मैं किसी सूरत भी अपनी अफवाज की इनडिग्निटी, उनकी इस शिवलरी को वायलेट करने के लिए अगर आप इस तरह की हरकत करें तो मुझे दुख इस बात का होगा कि आपको कुछ सपोर्टर्स जिनको आपने कन्वर्ट किए इन मॉब्स के अंदर, और कन्वर्ट करने के बाद अब मेरे पे लिमिटेशंस हैं कि मैं स्पीकर थोड़ी बात भी मुहतात कर रहा हूँ, नहीं तो ये तो खुली बिल्कुल ऐसे जैसे रोशन सूरज की रोशनी मैसेज रहे हैं। बात करेगी हुकूमत बार बार, जबकि हजार से कहते हैं हम हमें हक नहीं, आपको हुकूमत से पूछना चाहिए, मेरा तो काम है मॉडरेट।